गाइज, अगर आपका बजट 8,000 रुपये या उससे कम है और आप लेना चाहते हैं एक स्मार्टफोन, एक अच्छा टिकाऊ स्मार्टफोन, तो आज मैं इस वीडियो में 3 ऐसे फ़ोन लेकर आया हूँ जिसका प्राइस 8,000 रुपये से नीचे है। अगर हम सबसे पहले बात कर ले इन्फिनिक्स हॉट 8, तो उसका प्राइस लगभग 7,000 रुपये, और वहीं पर इन्फिनिक्स हॉट 7 जिसका प्राइस लगभग 8,000 रुपये है, और वहीं पर आपको सेम रियलमी 3i 8,000 रुपये का मिल जाएगा। तो कर लेते हैं तीनों ही फ़ोन्स का कंपैरिजन। सबसे पहले बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो हमें इन्फिनिक्स हॉट 8 में 6.52 इंचेस के एक 720p रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि आती है 20.9 के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ, और इसमें हमें मिल जाती है वाटर ड्रॉप नॉच और साथ में IPS LCD। वहीं पर अगर हम बात करें इन्फिनिक्स हॉट 7 की, तो इसमें हमें 6.19 इंचेस की एक IPS LCD देखने को मिल जाती है, जो कि आती है 720p रेजोल्यूशन के साथ, और यहीं पर हमें 19.9 के एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाते हैं, और इसमें भी हमें नॉच देखने को मिल जाती है। अगर हम आगे बात कर लें Realme 3i की, तो इसमें हमें 6.22 की इंचेस की एक IPS LCD देखने को मिल जाती है, जो कि आती है 19.9 के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ, और यहाँ पर भी हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं तीनों इस फोन के परफॉर्मेंस की। तो इन्फिनिट हॉट 8 में हमें MediaTek Helio P22 देखने को मिल जाता है, साथ में हमें पावर VRGE8320 के ग्राफिक्स और साथ में 4GB रैम की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। वहीं पर हमें हॉट 7 में MediaTek MT6757 3D देखने को मिलता है, और इसमें हमें ग्राफिक्स में माली T8800MP2 देखने को मिल जाते हैं, और साथ में हमें 4GB रैम की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। लास्ट में 3i में हमें MediaTek Helio P60 देखने को मिल जाता है, साथ में माली G72MP3 की ग्राफिक्स और साथ में 3GB रैम की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं मेमोरी की तरफ, इंटरनल स्टोरेज की तरफ। तो तीनों फ़ोन में हमें 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। Realme 3i में हमें 32GB मिलती है। अगर हम बात करें एक्सपेंडेबल की, तो तीनों फ़ोन में हम इसे 256GB तक बढ़ा सकते हैं। बात कर लेते हैं कैमरास की, तो हमें इन्फिनिट हॉट 8 में 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, और सेम हमें बाकी दोनों फ़ोन्स में मिल जाएगा सेम कैमरास बैक में। और वहीं पर अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 8 में हमें 8 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा मिलता है, और वहीं पर हॉट 7 में हमें 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में मिलता है, जो कि एक नॉच के साथ आता है, और वहीं पर रियलमी 3i में हमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं बैटरी की, तो हमें यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 8 में सबसे बड़ी बैटरी देखने को मिलती है 5000 mAh की, जिसके साथ ये आती है 10 वाट के चार्जर के साथ, और वहीं पर इन्फिनिक्स हॉट 7 4000 mAh की बैटरी है, और ये आता है 10 वाट के चार्जर के साथ। अगर हम बात कर लें रियलमी 3i की, तो इसमें हमें 4230 mAh की बैटरी मिल जाती है, और इसमें भी आपको नॉर्मल चार्जर देखने को मिल जाएगा।